हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बैक बेंचर गेमर चैनल। रेजिडेंट इविल विलेज के एक और वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इथन विंटर लड़ने जा रहा है मिरांडा से, जो कि आखिरी लॉर्ड बची है और इसके कब्जे में है इथन विंटर की बेटी। ये मैंने स्किप कर दिया। अगर आपको देखना था कि यहाँ पर वो क्या करती है, किस तरह से बेटी को जिंदा करती है और छीनती है, तो इससे पहले वाला वीडियो, वीडियो नंबर 43 देख लीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट, मैंने फाइट शुरू कर दी है। मैं फुल टाइम वेपन लेकर के, गोलियाँ लेकर के आया हूँ और अब मुझे इसको हर सूरत में हराना है। अगर मुझे रोज़ चाहिए तो, रोज़ जो एक छोटी बेबी है, तो हो सकता है कि आज का वीडियो आखिरी हो क्योंकि रेजिडेंट ईविल की आखिरी लॉट बची है और इसको अगर मैंने हरा दिया तो गेम को एंड हो जाना चाहिए। तो मैं इसको फायर कर रहा हूँ, मगर ये ज़मीन से अजीब अजीब दरख्त के तने निकल रहे हैं और मैं इसके पीछे छुप गया हूँ क्योंकि वो उसमें से आग निकल रही है। मिरांडा आग के गोले फेंक रही है, लावा की तरह से उस पर छींटे आ रहे हैं। मैं अपने बचने के लिए इसके पीछे आ गया और जैसे मौका मिला मैंने उसको शॉटगन से, मैं उसको फुल टाइम हिट दे रहा हूँ और ये कह रही है कि मैं तुम्हें हरा दूँगी, तुम लड़ने की कोशिश भी मत करो। मगर मेरे पास जितनी गोलियाँ हैं मैं उसको सारी की सारी मार डालूँगा, ये देखें, और भागता रहूँगा क्योंकि मैं जहाँ रुक रहा हूँ तो ये मुझ पर फुल टाइम हमला कर रही है, ठीक है ना। और ये गन का इम्पैक्ट बड़ा अच्छा है, मैंने इसको अपग्रेड कर लिया था। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मेरे पास बहुत सारी कीमती चीज़ें थी जो कि मैंने ड्यूक को दी और ड्यूक ने उसके बदले मैंने फिर वेपन को अपग्रेड किया, उसके पावर बढ़ाए और फिर मैं गोलियाँ लेकर के आ गया हूँ। बस एक चीज़ जो मेरे पास नहीं है, कम है बल्कि, वो है हेल्थ। हेल्थ कम है और मेरे पास 2 से 3 दफ़ा मैं अपनी मेडिसिन ले सकता हूँ, मगर अभी तक मुझे डैमेज हुआ नहीं है। तो इसको हराने के लिए एक चीज़ मैंने नोट की कि आपने डैमेज लेना नहीं है, चलते रहना है, भागते रहना है और जहाँ मौका मिले उसको टिका देना है। तो भागें अब, और ज़मीन पर आपको गोलियाँ मिलती रहेंगी, उसका मसला नहीं है। और ये कह रहा है कि भाई वो मेरी बच्ची है रोज़, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, मेरी बच्ची को मेरे हवाले कर दो। और ये अजीबोगरीब एक मकड़ी की शक्ल में बन गई है। लास्ट वीडियो है ये रेजिडेंट ईविल का। अबे उसने ये मुझे मार दिया, मुझे भागना चाहिए था और मेरे पास एक मेडिसिन थी, मैंने अपने पे लगा ली, कहाँ गई, और भागो। और ये मारा मैंने इसको, एक और मारा और गोलियाँ अभी हैं, थोड़ी बहुत हैं मेरे पास शॉटगन की। शॉटगन से ही मैं इसको डैमेज देना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मकड़ी के बड़े बड़े पाँव के साथ ही मुझ पर हमला कर रही है। अरे मिस हो गया, ये लगा, जब भी इसको सही टारगेट लगता है तो उसमें से खून निकलता है। ये अपने पाँव से मुझे कुचलना चाह रही है और अरे भाग गई। अब मेरे पास सिर्फ 6 गोलियाँ बची हैं और मुझे शॉटगन की गोलियाँ चाहिए। मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा अच्छा डैमेज मिल रहा है यार, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। 3 गोली मार चुका हूँ, 4 गोली मारी, नहीं हुआ यार। और ये मैं गिर पड़ा, हम गिर पड़े। एक और टिकाया मैंने, और यार एक पार्टनर मेरा यहाँ पे है क्रिस, मगर वो कुछ कर नहीं रहा। एक फायर उसने किया था और ये मेरे पास एक नई गन है जिससे मैंने एक दफ़ा वुल्फ को मारा था और इसने मुझे डैमेज दे दिया। रेड हो गया हूँ मैं, और चलो शुक्र मेडिसिन थी, अपने भी छिड़क ली। अभी किधर गई है? अच्छा ये रही, नहीं गायब हो गई, नज़र नहीं आ रही। अच्छा ये, अरे ऊपर उड़ रही है, आ जाओ। ये टिकाया मैंने, ये बड़ी अच्छी गन है, वेयरवुल्फ को मारने की थी। इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, गोली का स्टाइल पुराना है गन का। ये कह रही है मैं तुम्हें अपने अजाब का मज़ा चखाऊंगी। और ये स्नाइपर की गोलियाँ मिल रही हैं, स्नाइपर। अरे ये क्या बन गया, ये क्या, अरे इस आग के गोले को मैंने फोड़ा तो इसको तकलीफ हुई। चले भाई, अब मेरे पास क्या बचा है, एक ये एक आखिरी गोली बची। अरे अंधेरा हो गया, फुल टाइम अंधेरे का फ़ायदा उठा रही है वो। उसे मोमबत्ती के रोशनी में मुझे कुछ नज़र आ रहा है, किधर है? ओह इतने करीब आ गए। अबे यार इसने मुझे मारा आके, ये नज़र नहीं आ रही। अरे भागो 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 भागो, पीछे की तरफ भागता हूँ मैं। अंधेरा कर दिया है, अंधेरे का फ़ायदा उठा रही है ये। अरे 4 गोलियाँ बची हैं, फिर मेरे पास शायद पिस्टल की बहुत सारी गोलियाँ हैं, वही मुझे मारना पड़ेगी। या स्नाइपर है, स्नाइपर चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एम लेने में,
और फिर से दरख्त का तना निकल आया तो मैं इसके पीछे छुप जाता हूँ, क्योंकि ये अब आग फेंकेगी मुझ पर, आग के गोले फेंकेगी। और ये कह रही है मैंने 100 साल इंतज़ार किया है इस काम के लिए कि मेरे रोज़ मुझे मिल जाए, और तुम आ गए हो, ये काम तुम ख़राब नहीं कर सकते। इसका काम तो मैं ख़राब करके ही रहूँगा। किधर गई यार, ये नज़र नहीं आ रही एक तो मुझे, कहीं ऊपर चली जाती है ये रही। अरे ऊपर से आ रही है, लग तो रहा है उसको। अब गोलियाँ ख़त्म, अब मुझे अपने वेपन चेक करना है क्या है मेरे पास। यार स्नाइपर है, एक पिस्टल में 5 गोलियाँ, दूसरे में 10 गोलियाँ हैं, तो इन्हीं से कुछ काम चलाना पड़ेगा। और मैंने लिया है बॉम्ब फेंका, मगर ये उसको कुछ डैमेज हुआ नहीं शायद, तो पिस्टल ले लिया मैंने। पिस्टल की बहुत सारी गोलियां हैं, यही मारता रहता हूं मैं इसको, कुछ ना कुछ डैमेज तो मिलेगा, भागता रहता हूं डैमेज। अरे वो जंप मार के आ रही थी, मैं आगे निकल गया। फिर से ये दोबारा से चमगादड़ एक बल्कि स्पाइडर की तरह बन गई है, शेप चेंज कर रही है बार बार अपना, और मुझे कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रही है। टिकाता रहूँगा मैं इसको। ये क्या भाई, फुल टाइम आग के गोले फेंक रही है मुझ पर। ये मारता रहूँगा। गोलियाँ तो बहुत हैं, जब ये गोलियाँ ख़त्म हो जाएंगी फिर सोचूंगा क्या करना है। स्नाइपर फिर निकालूंगा, क्योंकि स्नाइपर जब भी निकालो तो फिर डैमेज हो जाता। अब मुझे पता नहीं है कि मेरे पास हेल्थ कितनी बची है, मेडिसिन कितनी है मेरे पास, मैं अपने आप को रिवाइव कर सकता हूँ कि नहीं। चोट तो लग रही है उसको, कुछ ना कुछ तो हो तो रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको, इसका मतलब है कुछ डैमेज तो मैं दे रहा हूँ। 12 गोलियाँ बची, इसके बाद एक और पिस्टल भी है मेरे पास। फिर से दरख्त आ गया और फिर से अंधेरा छा गया, और मेरे पास कौन सी गोली है चेक कर रहा हूँ। तो मेरे पास माइंस है, मैं माइंस उठा लेता हूँ और जगह जगह लगा देता हूँ। ये मेरे सामने आई तो इसको मैं, ये देखो इसको एक डैमेज तो हुआ है, एक बार तो फटा ये, जब भी सामने आएगी तो ये बम फट जाएगा। और क्या करूँ मैं, फिर से दरख्त के तने के पीछे छुपना पड़ेगा। आग का गोला फेंक रही है वो, फुल टाइम लावा फेंक रही है। चले मारता हूँ मैं इसको, लाइफ इज़ ओवर बोल लिया, नहीं अभी तक ओवर नहीं हुई है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुमसे लड़ता रहूँगा। किधर है, किधर है यार, गोलियाँ नहीं हैं, गन तो बड़ी अच्छी है यार। और डैमेज दे दिया इसने, अरे हेल्थ ही शुक्र है। और मेरे पास यार एक दूसरी गोली पिस्टल है, और स्नाइपर की भी अच्छी खासी गोलियाँ हैं, क्या करूँ। तो स्नाइपर से ही मुझे मारना पड़ेगा, स्नाइपर का डैमेज बहुत अच्छा होगा, मगर ये कि इसको लोड करना, अरे यार मिस होता है इसी तरह से, जब होल्ड कर लो ना तो इसको एम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम लेती है। एक और मारा और भागो भागो, सब्र से मुझे करना पड़ेगा वरना ये मुझे मार डालेगी। इससे दूर होकर के एक बार एम करके, यार ये लगा, भागते रहो। अरे 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 बहुत लंबा हो गया है, बहुत देर से मैं लड़ रहा हूँ इससे, 10 मिनट हो गया है, मर के नहीं दे रही। और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और इसने मुझे दरख्त की जड़ों से पकड़ लिया है और मेरी टांगों से, और मैंने चाकू निकाल करके मैं जड़ों को काट रहा हूँ, और ठीक मेरे सामने आ गई है और गन लोड कर लिया मैंने, और मैं इसको टिका रहा हूँ, लिखा हुआ रहा है अटैक, और उसको फुल टाइम डैमेज मिल रहा है। स्क्रीन पर लिखा हुआ है अटैक, तो मैंने फायर किया, और जब लिखा हुआ आएगा तभी मारना है मुझे, इससे पहले कि मुझे मारे मैं इसको डैमेज दे रहा हूँ यूँ मुझे। और यार वह मर जा, उसकी आंखें कैसी हो रही हैं, खौफनाक। और ये इसको बड़ा ज़ोर का लगा है, लगता है अब इसको तकलीफ होना शुरू हो गई है, उसकी आंखों से खून निकल रहा है, इसके जिस्म से भी खून निकल रहा है, अब ये मुझे लग रहा है मरने वाली है। और रोज़ किधर है मुझे नहीं मालूम, माई ईवा माई डॉटर पता नहीं क्या चीख रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा। और ये आखिरकार पत्थर की बन गई और जम गई, जिस तरह से बाकी लॉर्ड्स भी इसी तरह से मरे कि वो पत्थर के हो जाते हैं और फिर वो चूरा चूरा हो जाते हैं। और इनके मरने के बाद, अरे इसके मरने के बाद रोशनी छा गई, सारा इसका जादू का असर ख़त्म हो गया, जादू का असर ख़त्म हो गया है। और बच्चे की आवाज़ आ रही है इसके मरने के बाद, इसकी लाश में से मुझे मिली मेरी बेटी रोज़, ईथन विंटर को उसकी बेटी मिल गई है। हर दफ़ा तो कोई इनाम मिलता था, मगर इस दफ़ा इसको सबसे बड़ा इनाम मिला, इसको अपनी बच्ची आखिरकार मिल गई। मुझे लगता है अब गेम एंड होने वाला है, मगर ये क्या, ईथन विंटर ख़ुद पाउडर बनता चला जा रहा है, आहिस्ते आहिस्ते इसका जिस्म ख़त्म हो रहा है,
क्योंकि इसको ये भी पता चल गया कि ये ख़ुद इंसान नहीं है, एक मोल्ड है और इस तरह से ये ज़िंदा है, इसको खुद मालूम नहीं था और इसकी सेहत ख़राब हो रही है। और इसका दोस्त आ गया क्रिस, जो कि एक फ़ौजी है, उसको कह रहा है कि उठो हमें जाना होगा, यहाँ से भागना पड़ेगा। वो हिम्मत दिला रहा है इथन को। और यहाँ पर कोई और मॉन्स्टर आता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये कह रहा है कि मिरांडा को हमने तुमने मार दिया है, अब सब फिनिश हो गया, हमें यहाँ से भागना होगा। मगर ये इथन विंटर में ज़रा सी भी जान नहीं है और ये कोई और बला आ रही है। मेरे ख्याल में इसी के अंदर क्रिस ने एक बॉम्ब लगाया हुआ था और वो उसको फाड़ना चाहता है, मगर वो बॉम्ब इतना पावरफुल है कि पूरा का पूरा विलेज फट जाएगा। और क्रिस जो है इथन विंटर को लेकर के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, ये इसके दिल में क्रिस ने बॉम्ब लगा दिया था, वो इसको लेकर के जा रहा है। देखते हैं कि यहाँ से भाग पाता है कि नहीं, इथन विंटर को बचा पाता है कि नहीं। ये यही बता रहा है इसको कि अगर मैंने बम दबाया, बटन दबा दिया तो ये फट जाएगा, पूरा विलेज तबाह हो जाएगा, हमें यहाँ से बहुत दूर निकल जाना है। और इथन विंटर को ये भी बता रहा है कि तुम्हारी बेगम मियाँ जिंदा है और उसके पास मैं तुम्हें लेकर के जा रहा हूँ। उसको थोड़ी हिम्मत दिला रहा है इथन विंटर को, मगर ये कि इथन विंटर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। वो कह रहा है आई एम सॉरी, तुम रोज को हिफाजत में ले लो। और ऐसा लग रहा है कि इथन विंटर को अब समझ आ गया है कि ये बच नहीं सकेगा। ड्यूक, जिसकी भग्गी में, घोड़ा गाड़ी में ये यहाँ तक आया था, ड्यूक ने उसको कहा था कि अब तुम फैमिली से वापस नहीं मिल सकोगे, क्योंकि ड्यूक समझ गया था कि इसकी सेहत ठीक नहीं है। उसने कहा था कि तुम्हारी बॉडी इज़ फॉलिंग अपार्ट। तो ये कह रहा है कि मेरी बच्ची को समझा सिखाना कि बहादुर बनना। और यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ आ गई, सामने दरख्त आ गया, तो उसने उसको पीछे धकेल दिया कि तुम वो क्रिस भाग जाए यहाँ से। और इसने क्रिस से ये डेटोनेटर ले लिया है और ये लगता है इथन विंटर यहाँ से यहीं रहेगा और ये बॉम्ब दबा देगा ताकि ये सारी मखलूक मर जाए, जितनी भी ईविल चीज़ें हैं इस विलेज के अंदर वो सब तबाह हो जाएं। और क्रिस को उसने कह दिया कि भाग जाओ। क्रिस वहाँ से बच्ची को लेकर के भाग गया है और इथन विंटर वापस जा रहा है विलेज के अंदर। और इसमें शायद सिर्फ इतनी ताकत बची है कि ये इस बटन को दबा सके, इस डेटोनेटर को दबा दे और इस मॉन्स्टर को मार डाले। आहिस्ते आहिस्ते लड़खड़ाते हुए इथन विंटर चलता हुआ आगे जा रहा है, इसको चक्कर आ रहा है, इसको ठीक से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। मगर इसके सामने एक बहुत बड़ी सी अजीब सी चीज़ और इसके अंदर रेड लाइट जो चमक रही है वो है बॉम्ब लगाया था वो क्रिस ने, और ये रेडी है बटन दबाने के लिए। और जैसे ही बटन दबा तो ये अंधेरा कैसे हो गया। और यहाँ पर मियाँ आ गई है, इसकी वाइफ, ये उदास बैठी हुई है एक जहाज़ के अंदर और वेट कर रही है कि क्रिस इसके शौहर इथन को, बच्ची को बचा करके लेकर के आएगा। अपनी बेटी रोज़ को देख करके ये खुश हो गई है और क्रिस ने कहा है फ़ौरन से जहाज़ को रेडी करो चलने के लिए। और जहाज़ स्टार्ट हो गया है, इसके दरवाजे बंद हो रहे हैं और ये मियाँ पूछ रही है इथन किधर है, मगर ये हेलीकॉप्टर नुमा जहाज़ जो है ये उड़ गया हवा में। ये कह रहा है कि जल्दी चलो यहाँ से, टाइम नहीं है हमारे पास। ये कह रही है कि मैं अपने शौहर के बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। तो ये कह रहा है बैठ जाओ, ये कह रही है पहले बताओ मुझे इथन किधर है। और ये कह रही है मुझे पता है इथन हमें छोड़ करके नहीं जा सकता। ये पूछ रही है बताओ तो हुआ क्या है। और एक और ज़ोरदार धमाका हुआ, ये वो धमाका है जो इथन विंटर ने किया, डेटोनेटर जो दबाया था और सब कुछ तबाह कर दिया उसने और ख़ुद भी वो तबाह हो गया। इथन विंटर का खात्मा हो गया। ये पूछ रही है कि क्या हो गया, बार बार पूछ रही है, क्रिस से पूछ रही है बता दो मुझे हुआ क्या आखिर। कुछ कुछ उसको खुद भी समझ आ गया है। ये बोल रहा है वो चला गया, अब नहीं आएगा। ये कह रहा है मैंने पूरी कोशिश की उसको बचाने की, मगर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि हम भाग सकें। और ये सॉरी कर रहा है मियाँ को। और ये इसका पार्टनर बोल रहा है क्रिस का कि इधर आओ, हम तुम्हें कुछ दिखाना है। और वो लोग आगे चले गए हैं और मियाँ अपनी बेटी रोज़ को गोदी में लेकर के रो रही है। ये कह रहा है कि ये देखो ये बायो वेपन एक है, इन्होंने बायो वेपन भेजा था। ये कुछ नई स्टोरी शुरू हो रही है, ये मेरे ख्याल है रेजिडेंट ईविल का जो नया पार्ट आएगा उसमें कुछ होगा। तो ये कह रहा है कि फ़ौरन से BSAA यूरोप हेडक्वार्टर की तरफ चलो, हमें उनसे बदला लेना होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि बदला लेना है। और ये लोग आराम से बैठ करके अब यहाँ से जा रहे हैं। तो ये था एंड इस गेम का। इथन विंटर मारा गया,
मगर अपनी बच्ची को रोज को उसने बचा लिया और इसकी वाइफ मियाँ भी बच गई। तो रेजिडेंट ईविल विलेज आखिरकार मैंने एंड कर दिया है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। और यहाँ पर अच्छा गेम जो गेम शुरू हुआ था वो एक स्टोरी बुक से शुरू हुआ था। वो स्टोरी बुक कुछ में कुछ ऐसा दिखाया था कि एक बच्ची थी जो कि अपने माँ का हाथ छुड़ा करके आगे निकल जाती है एक अनजान दुनिया में। उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, वो हर चीज़ देखना चाह रही होती है और देखते ही देखते वो अपनी माँ की आँखों से ओझल हो जाती है। और इस बच्ची को पता नहीं होता कि ये दुनिया कितनी ज़ालिम है और यहाँ कितने ख़तरे हैं, हर तरफ ऐसे लोग हैं जो इसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो जब वो आगे जाती है तो उसको एक मकड़ी नज़र आती है, मकड़ी नहीं ये चमगादड़ नज़र आती है जो, मगर बच्ची को किसी किस्म का डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता। ये चमगादड़ जो है इसको एक कोई पीने की चीज़ देती है तो ये पी लेती है। फिर वो आगे बढ़ती है तो उसको यहाँ पर एक स्पाइडर नज़र आएगा। स्पाइडर ने जगह जगह पर अपने वेब फैलाया हुआ है, तो वो बच्ची जब उसके पास जाती है तो इससे भी नहीं डरती। फिर ये अपने वेब से इसको एक बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बना करके देता है, तो बच्ची जो होती है इसका फ़्रॉक भी पहन लेती है और बहुत खुश होती है कि इतना अच्छा फ़्रॉक बना के दिया, और उसको थैंक यू कहती है। फिर बच्ची जो होती है वो आगे चलती है, पानी वाली जगह पर आ जाती है। यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और एक बहुत बड़ी एक अजीब सी मछली होती है जिसकी बहुत सारी आँखें होती हैं। तो वो बच्ची जो होती है कश्ती में जा रही होती है तो वो बड़ी सी मछली यहाँ पर आ जाती है और वो उसको कुछ देती है, तो वो इससे भी चीज़ एक्सेप्ट कर लेती है और ये खाती है, खाने की कोई चीज़ देती है उसको और दे करके चली जाती है। वो बच्ची एक अनजान दुनिया में आगे बढ़ती चली जाती है, चलती चली जाती है और उसके माँ बाप उसको ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो आगे जाती है, वहाँ पे इसको एक जंगली घोड़ा नज़र आता है जो कि उछल रहा होता है। तो बच्ची की क्योंकि आदत ख़राब हो जाती है हर किसी से चीज़ लेने की, तो वो घोड़े के सर पर एक चीज़ होती है चमकती हुई, लोहे का एक पीस होता है, वो उठा लेती है। मगर घोड़ा उसको अपनी मर्ज़ी से नहीं देना दिया होता है और उसको यहाँ घोड़े का गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पर एक एक करके जिस जिसने इस लड़की को वो चीज़ दी होती है, कोई ना कोई चीज़ दी होती है, वो वहाँ पर आ जाते हैं और उसको गुस्सा दिखाने लगते हैं। फिर यहाँ पर एक बहुत ही ख़तरनाक चुड़ैल आ जाती है जो उसको कहती है कि हमने तुम्हें बहुत सारी चीज़ दी मगर तुम लालची हो गई और तुमने एक चीज़ बगैर पूछे ले ली, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और वो लड़की को शीशे में बंद कर देती है। वहाँ पर उसके माँ बाप आ जाते हैं बच्ची के, और माँ जो होती है बच्ची को आज़ाद करा करके ले जाती है। इस लड़की के बाप के पास भी मैजिकल पावर्स होते हैं जो कि चुड़ैल के साथ लड़ रहा होता है। बाप जो होता है माँ को बोलता है कि बच्ची को लेकर के भाग जाओ, क्योंकि वो समझ जाता है कि जंग ख़त्म होने वाली नहीं है और इसका बचना मुश्किल है। और पूरा जंगल जल करके राख हो जाता है और बाप मारा जाता है, मगर अपनी बच्ची को बचा लेता है। तो कहते ये हैं कि जो भी बच्चा इस जंगल के अंदर ज़्यादातर देखता है तो वो उसको फिर ड्रोने सपने आते हैं, इस तरह की कोई बात लिखी हुई है। और गेम का वाकई एंड हो गया है, तो जो कोई यहाँ तक देख रहा है तो उसका यहाँ तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे देखते हैं गेम के एंड होने पर क्या है, कोई और मिशन मिले हैं मुझे कि नहीं। तो ये कोई स्टोरी बुक है और कोई पकड़ा हुआ है इसको, देखते हैं क्या सीन कट सीन चल रहा है। ये कोई लड़की है और मुझे लगता है कि ये रोज़ है जो कि बड़ी हो गई है और वक्त गुजर गया है आगे। और यहाँ पर ये बस में कहीं जा रही है और बस के अंदर एक माँ अपनी बच्ची को कोई स्टोरी सुना रहे हैं, दोनों आपस में मज़े मज़े की फ़नी बातें कर रहे हैं और रोज़ जो है यहाँ पर सुन रही है वो बात। और बस यहाँ पर कहीं रुकी है, ये जगह मुझे कब्रिस्तान लग रही है। और यहाँ पर जो है ये उतर गई रोज़, ये एक टीनेजर हो गई है, बड़ी लड़की बन गई है और ये फूल लेकर के आई है। मैं सही समझा, ये यकीनन एक कब्रिस्तान है और ये अपने बाप की कब्र पे आई होगी वहाँ पे फूल रखने के लिए। फिर आगे देखते हैं क्या हो रहा है स्टोरी में, ये आप नेक्स्ट पार्ट में शायद इसकी एंट्री होगी, इसकी तरफ से खेलना होगा। ईथन विंटर की कब्र है, अ काइंड हस्बैंड, अ लविंग फादर हु पुट फैमिली बिफोर हिम। तो ये कह रही है कि देखे मैं बिजी थी इस वजह से बहुत दिन बाद आ रही हूँ यहाँ पे, आप तो जानते हैं ऐसे। और यहाँ पे पीछे कोई आ गया है, कोई गाड़ी में आ गया है और इसको समझ आ गया है पीछे कोई है। ये कह रही है शैतान का नाम लो, शैतान आ गया है। तो ये कह रही है बाबा ड्यूटी पे जाना होगा मुझे, आई लव यू।
और ये कौन आया है इसको लेने के लिए देखते हैं। यहाँ पे कोई सीक्रेट एजेंट लग रहा है मुझे, ये कह रहा है कि देखो किसी से बात कर रहा है, बोल रहा है कि मिल गई मुझे ये, और कहाँ जा सकती है। और ये कह रही है कि एक सिचुएशन हो गई है एवेलिन, तुम्हें चलना पड़ेगा। तो इसने रोज ने इसका गरेबान पकड़ लिया, कह रहा है कि कभी मुझे एवेलिन के नाम से नहीं पुकारना। तो ये कह रही है कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि ना मेरे अंदर क्या पावर्स हैं, और उसको ज़ोर से धक्का दे दिया। एवेलिन इसको नाम इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मेरिंडा जो थी इसको एवेलिन पुकारती थी, मेरिंडा जो लॉर्ड थी आखिरी, जिसको इथन विंटर ने मारा था। तो अब किसी मिशन पे जा रही है ये, इसके अंदर कुछ पावर्स हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो यकीनन इसका एक नया पार्ट आने वाला है। तो ये एजेंट इसको कह रहा है कि तुम्हें पता है तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। तो ये कह रही है हाँ मुझे पता है, यानी कि ये हिम्मत वाली है, लड़ने वाली है, और इसके अंदर भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं। तो गेम का एंड हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ तक देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही लंबा गेम था ये, और ये खेल करके मुझे बहुत मज़ा आया। गाड़ी में बैठ करके रोज़ जो है वो चली गई सीक्रेट एजेंट के साथ किसी मिशन पे। तो ये देखते हैं आगे, द फादर स्टोरी इज़ नाउ डन, ये लिखा हुआ है कि बाप की स्टोरी अब ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर चैलेंजेस कुछ आ गए हैं जो कि बहुत सारे हैं, तो कुछ मैं खेल सकता हूँ। मुझे ये रोज़ की तरफ से खेलना पड़ेगा। तो यहाँ तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।